एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज फिर से मैं एक मूवी देख के आई हूँ जिसका नाम है UT69। इस मूवी के बारे में और कोई बात कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन राजकुंद्रा और शिल्पा शेट्टी जरूर कर रहे थे। उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा इस मूवी को प्रमोट करने का। ब्रो, राजकुंद्रा ने तो इनफैक्ट सेपरेशन रूमर्स डाल दिए थे, बट देन इट वॉज अ बमर। एंड में पता चला कि इट इज नॉट अ सेपरेशन, इट्स जस्ट सेपरेशन फ्रॉम हिज मास्क। मैं ये मूवी बिल्कुल नहीं देखने वाली थी, लेकिन मैंने इसका ट्रेलर देखा एंड वो मुझे एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंट्रीगिंग लगा था। सो ऑब्वियसली दिस मूवी इज अबाउट राजकुंद्रा, जो कि है शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। नीडलेस टू से, बट मैंने फिर भी बता दिया आपको। सो बेसिकली राजकुंद्रा के ऊपर पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट बनाने के और सेल करने के चार्जेस लगे थे और जुलाई 2021 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एट फर्स्ट तो मुझे इसका टाइटल ही नहीं समझ आया था कि भाई टाइटल का मतलब क्या है, अनलेस आई एक्चुअली गूगल्ड इट। सो बिकॉज ही वॉज अ प्रिजनर अंडर ट्रायल इज बाई UT69 वर्सेस आईडी, हेंस UT नंबर 69। तो आपको क्या लगता है स्टोरी में क्या डिटेल्स होंगी? यही ना कि पूरे केस का प्रेमिस क्या था, लॉयर्स बाहर कैसे फंक्शन कर रहे थे, केस कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा था, केस डिस्पोज हुआ या नहीं हुआ, राजकुंद्रा गिल्टी है या नहीं है, ये सारी चीजें वी नीड टू नो, है ना? बट क्या ये सारे आंसर्स इस मूवी में है? रुको जरा, सबर करो। तो ये स्टोरी शुरू होती है आफ्टर द अरेस्ट, एंड फर्स्ट सीन ही यही है कि राजकुंद्रा इज सिटिंग इनसाइड अ पुलिस व्हीकल विद हिज लॉयर एंड ही इज सुपर नर्वस। फिर उसके बाद वो जेल पहुंच जाते हैं अपना एक थैला लेके जिसमें आपकी बेसिक नेसेसिटीज और बिलोंगिंग्स होती हैं, एंड वहां जाकर उनको एग्जामिन किया जाता है, उनका फुल बॉडी चेकअप होता है एंड ऑल ऑफ दोस फॉर्मेलिटीज। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस वो कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे थे कि भाई मेरी सॉलिड लगने वाली है। सिर्फ देयर आर स्मॉल लिटिल इंस्टेंसेस जहां पे उनको लगता है उन्होंने जोक क्रैक किया है, बट वो जोक लैंड नहीं होता है। सो एट फर्स्ट जब वो जेल पहुंचते हैं, ही वाज टोल्ड कि वो 4-5 दिन के लिए अंदर रहने वाले हैं, एंड देन दे विल अपील फॉर द बेल एंड ही विल कम आउट। बट देयर इज नॉट एवरीथिंग यू कैन थ्रो मनी एट। पहले ही दिन जेल में उनको अपनी नानी याद आ जाती है एंड वो अपने लॉयर से पूछते हैं, क्या हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड नहीं कर सकते जिसमें मैं सब कुछ सच सच बता दूं? एंड जस्ट लाइक एवरी लॉयर, उसको भी यही सुनने को मिलता है कि अभी आप जो भी बोलोगे ना वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा, तो आप चुप रहो। बट आई हैव अ क्वेश्चन, राजकुंद्रा जी आप ये बताइए, आप सच बोलोगे क्या? आपके पास है क्या सच बोलने के लिए? क्योंकि आपने पूरी मूवी में केस तो एड्रेस किया नहीं है अपना, आप क्या ही सच बोलोगे? एनीवेज, जेल में पहले 4-5 दिन उनको रखा जाता है एक सॉलिटरी सेल में, जहां उनको क्वारंटीन किया जाता है एक बहुत ही बड़े से रूम में अकेले, और वहां उनको एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। देयर इज अ माउस इन दैट रूम दैट्स ट्रबलिंग हिम एंड ही कीप्स ऑन येलिंग एट हिम इन हिज ब्रिटिश एक्सेंट। ओके, आई स्वेयर इट साउंड्स प्रीटी फेक। लिटिल डिड ही नो कि अभी तो उनको एक चूहा परेशान कर रहा है, इसके बाद उनको क्या क्या परेशान करने वाला है वो भी देखना है आगे। देखो, हमने वैसे बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी है जिसके अंदर जेल के सीन्स हैं, जेल कैसी होती है अंदर से, जेल का खाना कैसा होता है, क्या ट्रीटमेंट मिलता है प्रिजनर्स को अंदर, वो हमें सब पता है। लेकिन फिर भी इनको राजकुंद्रा के स्ट्रगल्स दिखाने थे जेल के अंदर, तो इन्होंने एक एक चीज इतनी डिटेल्स में इतनी माइन्यूटली दिखाई है कि जिसकी जरूरत भी नहीं थी। बट दे शोड कि खाना कितना बुरा होता है, दाल एकदम पानी जैसी होती है, वॉशरूम्स की कितनी दिक्कत है, सोना जमीन पर पड़ता है, एक ही मग मिलता है आपको जिसमें चाय पानी वॉशरूम और नहाना सब मैनेज करना होता है, और बाकी और भी कितने अलग अलग हाइजीन इश्यूज होते हैं, देख के बुरा तो लगा। देखो ओके, अब आगे स्टोरी में ये होता है कि उनको क्वारंटीन सेल से निकलकर 5 दिन में भेज दिया जाता है एक रेगुलर कॉमन सेल में, जहां एक रूम में 246 लोग हैं। 246 पीपल इन वन रूम, इमेजिन, मतलब दिल्ली मेट्रो और मुंबई लोकल से भी ज्यादा क्राउडेड। लाइक लेजिट, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो बंदे के ऊपर बंदा चढ़ जाएगा। वो देख के मुझे लगा कि भाई ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट आई डोंट नो इफ इट वाज ड्रामेटाइज्ड और इट एक्चुअली हैपेंड, बट Whatever it is very unfair. और इस सब के अराउंड इन्होंने 70% ऑफ द मूवी खींच खींच के खत्म कर दी है। देखो, आई टोटली अग्री कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बी इन द जेल। VIP सेल भी उनको डिनाई कर दिया गया, उनको कॉमन सेल में रहना पड़ा, तो काफी डिफिकल्ट हुआ होगा एक्चुअली। बट कुछ और तो दिखा दो यार, पूरे टाइम जेल की दिनचर्या, रोज जेल में क्या चल रहा है, एवरी डे वॉट इज हैपनिंग इज वॉट दे हैव शोन। एनीवेज, बाकी 30% मूवी में इन्होंने दिखाया है कि सारे लोग, सारे इंस्पेक्टर्स, सारे इनमेट्स सब शिल्पा शेट्टी के फैंस हैं। कोई उसको राज के सामने कड़क बोल देता है, कोई टीवी पर सुपर डांसर देखना चाहता है, कोई उससे फोन पे बात करवाने के लिए बोलता है, एंड एक तो एंड में उससे पूछ ही लेते हैं कि आप सच में शिल्पा शेट्टी के साथ रहते हो क्या, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है, इसे देख के लगता नहीं है कि वो आपके साथ रहती होंगी। आई मीन जोक्स के नाम पे कुछ भी, बट एक चीज मैंने नोटिस की, भाई इतने अच्छे प्रिजनर्स होते कहाँ हैं? आई मीन हाउ कैन ऑल द इनमेट्स बी योर फ्रेंड्स जो ऑल द टाइम आपके अच्छे के बारे में सोचते रहते हैं, आपसे खाना शेयर करते हैं, आपके बर्थडे पे सोन पापड़ी का केक कट करते हैं, डिस्पाइट बीइंग अक्यूज्ड क्रिमिनल्स देमसेल्व्स। फिर ऑब्वियसली अब एक ही चीज दिखा दिखा के ये खुद ही थक गए होंगे, तो इनको थोड़ा सा टाइम खींचने के लिए एक और एंगल चाहिए था, तो इन्होंने थोड़ा सा रिलीजियस एंगल डाल दिया, जिसमें इन्होंने दिखाया कि सुबह उठ के कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, बाकी लोग उठ के पूजा करते हैं, एंड इवन इन्होंने गणपति स्थापना और विसर्जन तक दिखाया। सो व्हाइल ही इज इन द जेल, बाहर शिल्पा शेट्टी थ्रू आउट दिस टाइम ट्राई कर रही होती है अपनी लीगल टीम
के साथ कि राज को बेल मिल जाए, बट 3 या 4 बार बेल रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन एंड में भाई साहब को बेल मिल ही जाती है। सो इज हैविंग फन टाइम विद हिज फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट नाइट है जेल में, एंड इस टाइम पे पीछे वॉइस ओवर में ही इज लिटरली नरेटिंग कि वैसे तो ये मूवी का क्लाइमैक्स होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मुझे एक रात और बितानी पड़ गई जेल के अंदर, इज वाई तुम लोगों को 5 मिनट और मिल गए मूवी देखने के। मतलब भाई बेशर्मी मच, ओ माय गॉड, ही रियली थॉट ही डिड समथिंग, ही रियली थॉट दीस 5 मिनट्स वर प्रेशियस एंड इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरी, आई मीन वाओ। एनीवे, जाने से पहले उनके फ्रेंड्स उनको अपनी कंसर्न्स वगैरह बताते हैं कि देखो आपके पास इतना पैसा है, आप हमारी जेल्स के लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि हमारी एक्चुअली जेल्स की हालत हर तरीके से कितनी खराब है, तो प्लीज आपके आपके आपकी कैपेबिलिटीज में आपसे जितना हो सके प्लीज वो करना। सो ही प्रॉमिसेस कि हाँ मुझसे जो हो पाएगा वो मैं करूंगा। सो व्हेन ही केम आउट ही रोट टू द ह्यूमन राइट्स कमीशन अबाउट द कंडीशंस ऑफ दोस जेल्स, एंड उन्होंने एक फ्री लीगल एड टीम भी सेटअप की है फॉर ऑल दोस फैमिलीज जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं और ये सिस्टम में फंसे हुए हैं। अब बारी आई है उनके जेल से बाहर निकलने की, और ये पूरा का पूरा सीन भी बहुत ड्रामेटाइज करके दिखाया है इन्होंने और इतना लंबा खींचा है कि मैं क्या बताऊं। एक चीज अच्छी की है, दे डिसाइडेड टू एक्चुअली शो द रियल फुटेज ऑफ हिम कमिंग आउट ऑफ द जेल, जो बाहर मीडिया वगैरह में दिखाई गई थी वो फुटेज दिखाई है एकदम एंड में। दैट एड्स अ गुड टच। भाई एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा व्हाई इज एवरीबॉडी ट्राइंग टू मेक पैथेटिक मूवीज दीस डेज, क्योंकि मेरे को मतलब आई डोंट नो, मैं ज्यादा चूज ही नहीं हो गई हूँ, ये एक्चुअली इतनी गंदी मूवीज बनाने लग गए हैं कि एक्चुअली कुछ पसंद नहीं आ रहा है सच में, एंड आई एम नॉट जोकिंग। आपको पता लग जाएगा इनकी IMDb रेटिंग्स और जो भी इनकी मंथली कलेक्शन वलेक्शन होगी उससे। देखो मूवी तो मैंने देख ली, लेकिन मेरे पास फिर भी काफी सारे क्वेश्चन रह गए यार स्टोरी से रिलेटेड। एक तो भाई मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया कि ये जेलर्स और इंस्पेक्टर्स व्हाई आर दे ऑलवेज ट्राइंग टू बी फनी एंड क्रैकिंग जोक्स विद हिम, बाकी सबको मतलब तोड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बट विद हिम दे आर ऑलवेज वेरी फनी। इन्होंने राजकुंद्रा की इमेज ग्लोरीफाई करने के लिए मूवी तो बना ली, लेकिन पूरे मूवी में बिल्कुल एक बार भी पूरा केस एड्रेस नहीं किया इन्होंने कि भाई वो अंदर गया क्यों, अभी केस का करंट स्टेटस क्या है, क्या वो एक्चुअली बाहर आ गया है, इज ही प्रूवन गिल्टी और नॉट गिल्टी और व्हाट, एंड अगर आपकी कोई गलती नहीं थी तो आप मुंह छुपा के और मास्क पहन के क्यों घूम रहे थे इतने सालों से। तो मेरे को एक्चुअली ये ग्लोरिफिकेशन थोड़ा सा डिजेस्ट नहीं हो रहा, बट क्या ही कर सकते हैं अब हम। तो फिर केस की डिटेल्स के बारे में इन्होंने तो बताने की जहमत उठाई नहीं, तो मैंने घर पे आके गूगल की कुछ चीजें, जिसमें से मुझे पता चला कि ही स्टेड इनसाइड द जेल फॉर 62 डेज, एंड अभी के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल पर ही बाहर आए हैं, और जब तक ये केस का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता एंड अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी he will be out on the bail only, but it's been almost 2 years now and abhi tak koi case shuru hi nahi hua hai, so I don't know how it goes, but let's see। इस मूवी की कास्ट की बात करें तो क्योंकि सारा का सारा क्रेडिट इनको राजकुंद्रा को ही देना था, इज वाय देर आर नो अदर फेमिलियर फेसेस, एवरीबडी इज न्यू एंड एवरीबडी इज अ साइड कैरेक्टर, इट्स जस्ट राजकुंद्रा इन द सेंटर, एंड एक्टिंग तो राज जी ने क्या जबरदस्त की है। क्या यार मेरे को पता है मैंने क्या झेला है 2 घंटे यार सच बता रही हूँ, मेरे को लगा था गणपत में टाइगर की एक्टिंग गंदी है, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं है यार बंदे के फेस पे, और डायलॉग्स तो इतने फनी लगते हैं बिकॉज ऑफ हिज ब्रिटिश एक्सेंट। मूवी के इंट्रो में ही लिखा हुआ आता है स्पेशल थैंक्स टू शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, बट इट इज वेरी एविडेंट कि शिल्पा didn't want to be associated with such kind of a movie, तो उन्होंने कोई appearance नहीं दी है, उनकी सिर्फ आवाज है, she has just been available on calls, मतलब speaker on करके जो भी conversation हुई है राज और शिल्पा की, that is what it is, all in all it's a very low budget movie and actually कुछ खास story है नहीं, तो आप clearly एक आधे घंटे का episode बना के Netflix पे दे देते यार हमें, ये देखने के लिए भी हम theater जाएं, well who am I to complain, I actually went, but मैं सिर्फ review बनाने के लिए गई थी, मैं ऐसे कोई दिल से voluntarily नहीं गई थी, but फिर अगर ये इतने बड़े और national level पे movie release नहीं करते तो जेल के अंदर राजकुंद्रा जी के ट्रबल वगैरह हमारे मुंह पर कैसे रब कर पाते। Anyway, इस मूवी में थोड़ा सा सटायर है एंड 3-4 जगह है जहां पर कॉमिक टाइमिंग्स एक्चुअली अच्छी है राजकुंद्रा की, लेकिन बाकी एवरीवेयर एल्स द जोक डिडंट लैंड एंड दे एक्चुअली लुक वेरी फोर्स्ड। इस मूवी का सारा क्रेडिट राजकुंद्रा को खुद चाहिए था, इस बार उन्होंने डायरेक्टर तक एक डेब्यूटेंट को चुना है। वेरी ऑनेस्टली सेइंग, जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था वो काफी स्पाइसी और काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, मतलब मुझे लग रहा था कि ये मूवी मैं देखना चाहूंगी, बट आफ्टर आई हैव वॉच्ड द मूवी इट इज रियली अंडरवेलमिंग। मतलब आप ये सोच लो अगर आपने ट्रेलर देखा ना तो आपने 60% मूवी देखी हुई है, और इस मूवी के साथ मेरा रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है घटिया मूवीज देखने का, अब तो मुझे लिटरली टाइगर 3 का वेट है। आई एम गोइंग टू रेट दिस मूवी अ 2/5, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये गणपत से ज्यादा बेटर थी देखने में, तो अगर आप चाहो आप एक बार कंसिडर कर सकते हो देखना, बट आई वोंट फोर्स यू फॉर इट। एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, मैंने बहुत टॉर्चर सहा है पिछले कुछ टाइम में, प्लीज ये वीडियोस को देख लिया करो और शेयर कर दिया करो यार लोगों के साथ। कल हम टेलर स्विफ्ट का एरास टू मूवी भी देख के आए हैं, उसकी रील्स और शॉर्ट्स भी जल्दी आने वाली है, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड बिग बॉस रिलेटेड कॉन्टेंट तो आ ही रहा है, तो प्लीज जल्दी से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलो मुझे अगले वीडियो में, बाय।